मैं अभी वीडियो करने बैठी थी तो मैंने देखा कि मुझे स्पॉटिंग होने लगी है। अब हमारी स्पॉटिंग में होता क्या है ना कि पीरियड से कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले हमें ब्लड के ब्राउन स्पॉट्स आते हैं 3-4 दिन तक। उसके बाद हमारे वो नॉर्मल पीरियड्स होने लगते हैं जो PMS का टाइम होता है। इस टाइम पर हमें मूड स्विंग्स भी होते हैं, क्रैम्प्स भी होते हैं, पर स्पॉटिंग होती है ना तो हमारे कपड़ों पर लग भी जाता है। तो पैड तो देखिए लगाना ही पड़ता है, और इस टाइम पर मेंस्ट्रुअल कप तो यूज़ कर नहीं सकते स्पॉटिंग के टाइम पर। जब हैवी फ्लो होता है तब मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती हूँ। और देखिए हम अपने बालों का, अपनी स्किन का कितना ध्यान रखते हैं, पर हमारा जो इंटीमेट एरिया होता है, सबसे सेंसिटिव स्किन होती है हमारी इस जगह की, हम उसका कितना ध्यान रखते हैं। तो उसका भी ध्यान रखना देखिए जरूरी है ना। तो अभी मैं ना कुछ महीनों से एक ब्रांड यूज कर रही हूँ, कार्मेसी। तो इसके प्रोडक्ट्स मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ये ना स्पेशली प्रोडक्ट्स बनाते हैं इंटीमेट हाइजीन के। मैं वैसे और भी पैड्स यूज करती थी जो हमारे रेगुलर मार्केट में मिलते हैं, पर उनको सिंथेटिक फैब्रिक यूज करते हैं। उससे होता क्या ना कि हमारे रैशेज हो जाते हैं, फिर इरिटेशन हो जाती है, इन्फेक्शन होता है, बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है। तो मेरे ना काफी बार उससे रैशेज और प्रॉब्लम्स नीचे ये इंटीमेट एरिया में हो चुकी है। तो अब तो मैं अवॉइड कर रही हूँ। और जब से मैंने कार्मेसी देखा है, मैं आपको इसके प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। तो मेरे पास ये कार्मेसी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इनका बॉक्स अभी जस्ट मैंने खोला ही है क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स मैं अपने पीरियड्स के टाइम पर यूज करती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास है इनका ये कार्मेसी का सेंसिटिव सैनिटरी पैड्स, एंड दे आर 100% रैश फ्री बाय गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये बिल्कुल सेफ है यूज करने के लिए। कॉर्न फाइबर की इसकी टॉप शीट है जिससे किसी भी तरीके की आपको इरिटेशन नहीं होगी। स्किन फ्रेंडली है, और जैसे ह्यूमिडिटी की वजह से या स्वेटिंग की वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है और खुजली होने लगती है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम या इरिटेशन आपकी स्किन में नहीं आए। और इनकी ना पैकेजिंग पे भी लिखा हुआ है फॉर रैश फ्री पीरियड्स प्लांट बेस्ड टॉप शीट्स। मैंने आपको बताया है कि कॉर्न फाइबर का बना हुआ है, तो बहुत ही ब्रीदेबल फैब्रिक रहता है जिससे आपकी स्किन को कोई भी इरिटेशन नहीं होगी। और फिर लिखा है नेचुरली सॉफ्ट एंड रैश फ्री। और इसमें ना 3 साइजेस आते हैं, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। तो लार्ज ना आपके मीडियम फ्लो के लिए होता है, एक्स्ट्रा लार्ज इज फॉर हैवी फ्लो, और फिर XXL तो वो आपके एक्स्ट्रा हैवी फ्लो के लिए होता है। यहाँ पर ये सब चीज़ें भी मेंशन करी हुई है। और इसका प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 130 रुपीज़ का है, और काफ़ी थिन होता है ये। उस पर सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी हुई है, काफ़ी वाइड है तो लगाने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और कार्मेसी के ये इको कॉन्शियस पैड्स भी है मेरे पास। तो ये रैश फ्री तो है ही, और प्लांट बेस्ड कॉम्पोजिशन है इसका, जिसमें भी लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज आता है। और इसके साथ ना डिस्पोजेबल बैग भी आता है जिसमें आप अपना पैड रख के फिर आप उसको डिस्पोज कर सकते हो। और इसकी जो आउटर पैकेजिंग है, इस पर मेंशन किया हुआ है मेड विथ पेपर टू फाइट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, इसलिए इसका नाम है इको कॉन्शियस पैड। कार्मेसी का ये मेंस्ट्रुअल कप भी है मेरे पास। तो मेंस्ट्रुअल कप जो होते हैं ना, मैं अपने पीरियड के 2nd और 3rd डे पर यूज करती हूँ क्योंकि तब हमारा ब्लड फ्लो हैवी होता है। बाकी दिन तो मैं पैड्स यूज कर लेती हूँ। तो अभी मैंने पैड्स और टैम्पॉन्स मंगाए थे, और ये मेंस्ट्रुअल कप तो मैं लास्ट मंथ भी यूज कर चुकी थी। तो अभी तक मैंने जितने भी मेंस्ट्रुअल कप यूज करे हैं ना, ये उसमें से सबसे सॉफ्ट है, मुझे सबसे बेस्ट लगा। क्योंकि आप इसे छुएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा सॉफ्ट है। तो इसे इंसर्ट करने में और रिमूव करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। और इसके साथ 3 साइजेस आते हैं मेरे पास। जो साइज है ये है लार्ज, और स्मॉल और मीडियम भी आता है। तो आप अपने फ्लो के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सा साइज चाहिए। फार्मेसी के ये टैम्पॉन्स भी आते हैं जो कि 100% ऑर्गेनिक कॉटन के बने हुए हैं, और कोई भी केमिकल्स नहीं है इसमें। स्किन फ्रेंडली है, FDA अप्रूव्ड है। और टैम्पॉन्स तो वैसे मैं यूज नहीं करती, बट दिस इज फॉर माय सिस्टर इन लॉ, पर मैं यूज करना चाहती हूँ क्योंकि टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप का ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने कुछ लगा रखा है। आपको जैसे स्विमिंग करनी हो या कुछ ऐसे फिटिंग का पहना, कोई जीन्स है या कोई ड्रेस है, तो कोई भी ना ऐसा डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। क्योंकि होता है ना पैड्स में, जैसे आप लगा लेते हो कोई पैड तो ना शेप आ जाती है कुछ, आप ऐसे फिटिंग का पहनो तो। पर टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगा रखा है। और इन टैम्पॉन्स के भी 3 साइजेस आते हैं, रेगुलर, सुपर एंड सुपर प्लस। तो रेगुलर ना आपके मीडियम फ्लो के लिए, सुपर इज फॉर हैवी फ्लो, एंड सुपर प्लस इज फॉर एक्स्ट्रा हैवी फ्लो। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस रेंज फ्रॉम कार्मेसी, क्योंकि इनके पास हर टाइप की रेंज अवेलेबल है, चाहे आपका मीडियम फ्लो हो, हैवी फ्लो हो, सुपर हैवी फ्लो हो, रेगुलर फ्लो हो, और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं इनके प्रोडक्ट्स। तो आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। और अभी इनकी वेबसाइट पर डिस्काउंट भी चल रहा है विमेंस डे का, और आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब डिस्काउंट पर तो ऑलरेडी आपको प्रोडक्ट्स मिल ही रहे हैं, पर 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं। इस पर मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, पर आप यूज करिए ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले। तो कूपन कोड मैं यहां पर कहीं पर मेंशन कर दूंगी, तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ट्राई
ट्राई करिए इनके प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइजीनिक है, काफ़ी अच्छा रहता है हमारी स्किन के लिए, तो आपको चेक ज़रूर करना चाहिए। लिंक वगैरह सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। मैं ना अभी एक वीडियो एडिट कर रही थी और यूट्यूब पे अपने कमेंट्स भी चेक कर रही थी, तो पीसीओडी के ना बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी आते रहते हैं कि ठीक होगा नहीं होगा। सबसे पहले तो ना इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि ये कभी ठीक नहीं होगा, नहीं तो वो और फियर ना बढ़ता जाएगा। और जो चीज़ ठीक होनी भी है ना, क्योंकि मेंटेनेंस तो देखो इसमें आपको करनी पड़ेगी, मैंने इस पर कुछ वीडियोस बनाई है, वो ज़रूर चेक कर लो और इस डर को निकाल दो कि ये कभी ठीक नहीं होगा, हो जाएगा ठीक। डाइट को थोड़ा सा ठीक रखो, लाइफस्टाइल अपना चेंज करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, सारा सोल्यूशन मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पर और ये ठीक भी होगा। तो इसे निकालो सबसे पहले अपने दिमाग से। और ये मेरे बाल अजीब से हो रहे हैं यार, एक तो ऐसा हेयर स्टाइल कभी मत कराना, ये बैंग्स मत करवाना जिंदगी में कभी भी नहीं। बाल देख रहे हो शैम्पू करने के बाद कैसे हो गए हैं। तो शैम्पू करने के नेक्स्ट डे ना बाल अच्छे हो जाते हैं, मतलब स्ट्रेट लग रहे हैं, वो पोकर स्ट्रेट नहीं है क्योंकि मुझे ना वैसे पसंद नहीं है, ये नेचुरल स्ट्रेट लग रहे हैं अच्छे हेल्दी वाले। और ये मेरे आगे ये बैंग्स भी ना ये अब साइड हो जाते हैं, थोड़े से लंबे हो गए हैं, मतलब छोटे तो है ही अभी भी, प्रॉपरली वैसे नहीं हुए जैसे मैं मिड पार्ट करती थी, पर साइड हो जाते हैं, मतलब मेरी आँखों को इतनी तकलीफ नहीं दे रहे हैं। और अभी मैंने ना एक वीडियो रिकॉर्ड करी है अपने दूसरे चैनल के लिए, रिलेशनशिप पर ही है, तो अगर आपने वो भी सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो जाके सब्सक्राइब कर लेना। और मैं ना ये सोच रही थी कि वीडियो ना विमेंस डे के अराउंड आएगी, तो मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ सारी लड़कियों को, सारी औरतों को, कि देखिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पैसे की कमी होती है तभी आपको पैसा कमाना चाहिए खुद, ऐसी बात नहीं होती है। कई लोग फिर ये भी बोलेंगे नहीं हमारी फैमिली के पास इतना है हम क्यों अर्न करें। देखिए आपने पढ़ाई करी है, और पढ़ाई की भी बात नहीं है यार, मेड्स को देखो उन्होंने कौन सी ऐसी इतनी पढ़ाई करी होती है तब भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो पैसा होता है ना वो पावर होता है, तो आप जब दूसरे की पावर यूज़ करते हो तो आपको अच्छा लगता है, नहीं पापा ने पैसे दे दिए, घर वालों ने पैसे दे दिए, हम उसे खर्च कर रहे हैं, पति ने पैसे दे दिए खर्च कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पर आप अपनी पावर इस्तेमाल करोगे, खुद की पावर यूज़ जब करोगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, पैसे कमाओ, मैं ये नहीं कह रही 15 लाख की सैलरी एक महीने में आ जाएगी, ऐसा नहीं है, थोड़ा भी आए पर अपने हाथ में वो पावर होनी चाहिए। तो मुझे ना चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे पास हमेशा काफ़ी सारी चॉकलेट्स रहती है क्योंकि मेरा स्वीट टूथ है, तो मुझे चॉकलेट खाने की क्रेविंग होती है, मतलब मैं डेली चॉकलेट खाती हूँ, तो लंच के बाद या शाम में या फिर रात में खाना खाने के बाद, तो मैं थोड़ी सी चॉकलेट, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं पर थोड़ी मैं खा लेती हूँ। और पीरियड्स के टाइम पर तो इतनी ज़्यादा मुझे ज़रूरत होती है ना चॉकलेट्स की कि नहीं खाना ही है, क्योंकि मेंटली और फिजिकली मैंने देखा है चॉकलेट से थोड़ा सा ना फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट जो लड़कियाँ इतनी चॉकलेट्स नहीं भी खाती है ना, तो पीरियड्स के टाइम पर तो वो मेरे से मांग मांग कर, मैंने होता था ना कॉलेज में या फिर ऑफिस में, बोलती थी नहीं थी चॉकलेट है, क्योंकि मेरे बैग में हमेशा चॉकलेट होती ही थी। तो चॉकलेट से मैं आपको बताती हूँ, ये देखो मुझे ना चोको क्राफ्ट ने ये कस्टमाइज चॉकलेट बॉक्स भेजा है 350K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के लिए। तो मेरे 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे कंप्लीट हो चुके हैं, सो कंग्रेचुलेशंस टू मी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंग्रेट्स निधि, और इसके अंदर हाँ एक मैसेज है इनका यहाँ पर, तो इस पर लिखा हुआ है आर हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑन रीचिंग दिस माइलस्टोन ऑफ मोर देन 350K सब्सक्राइबर्स, विशिंग यू मोर सक्सेस इन फ्यूचर टीम चोको क्राफ्ट, थैंक यू सो मच। एंड हेयर आर दी चॉकलेट्स, यहाँ पर कुछ चॉकलेट्स है और इसके ऊपर भी ना कस्टमाइज मैसेज है कंग्रेट्स निधि। तो चोको क्राफ्ट से ना आप भी चॉकलेट्स मंगवा सकते हो कस्टमाइज करके, अगर आपको पिक्चर करवानी है उस पर या कुछ लिखवाना है तो वो सब कुछ हो जाता है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे खाने का भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं कितने जमानों के बाद ना मसाज कराने के लिए आई हूँ, मसाज थेरेपी मैं लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं एग्जॉस्टेड भी हो गई थी। कल क्या हुआ था ना, कल मेरा शूट था तो पूरे दिन मतलब सुबह से लेकर के शाम तक मैं बिज़ी थी, फिर जब शूट होता है ना तो रूम भी पूरा बिखर जाता है, रूम फिर मैंने साफ वाफ करा, फिर पीरियड्स भी हो रहे हैं, तो मेंटली फिजिकली इतना ज़्यादा मैं थक गई थी, और मसाज भी बहुत टाइम से कराया नहीं था, तो अभी मैं करवाने के लिए जा रही हूँ, देखती हूँ कैसा होगा। तो अभी मैं मसाज करा के घर वापस आ गई हूँ, और वहाँ की ना क्लिप्स मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँ, वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँ, कुछ ऐसे उनके रूल्स नहीं थे, पर उन्होंने इसलिए बोला ताकि मैं रिलैक्स हो जाऊँ मेंटली फिजिकली, वरना या तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करती रहती या सोशल मीडिया पर लगी रहती। तो उन्होंने बोला कि अगर हो सके तो रिक्वेस्ट करा कि फ़ोन इस्तेमाल मैं नहीं करूं ताकि मैं ढंग से अच्छे से रिलैक्स हो पाऊं। और मैंने डीप टिश्यू कराया था और फुट मसाज करवाया था, तो अच्छे से ना मतलब काफ़ी अच्छे से करा, मेरा बॉडी पे ना बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, वरना ना मेरे लेग्स में थाइस में काफ़ी
पेन था, मतलब लग रहे थे मसल्स ना मेरे अकड़ गए हैं, जम गए हैं, मेरे वो पैर मूव करने में भी दिक्कत आ रही थी। तो अब मैं अच्छे से मैं अपने पैर पता भी हिला रही हूँ चेक करने के लिए, तो मेरे पूरा पैर इधर उधर हिला कर देखा कि ठीक है कि नहीं, क्योंकि ऐसे लग रहा था ना कि कुछ अकड़ा हुआ है, कुछ जम गया है उसमें। तो वो सब ना बिल्कुल ठीक हो गया, दर्द अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं है। जो पैरों में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पैर में और मेरे लोअर बैक में, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। और जो मेरे पटाखे फूट रहे थे ना मेरी बैक के और मेरे शोल्डर के, पट 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 पट, इतना सब पूरा ना जमा हुआ था ऐसे लग रहा था। तो पटाखे फूटते गए फूटते गए। और एक और चीज़, मैंने ना आज ये पूरा वाइट पहना हुआ है, ये देखो वाइट टी शर्ट, सब कुछ वाइट वाइट, मेरा बैकग्राउंड भी वाइट है, वाइट पैंट, और मैंने अभी मेंस्ट्रुअल कप लगा रखा है। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है हमें मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने का ना, कि आप कुछ भी पहन सकते हो। तो मुझे ना स्पॉटिंग वगैरह कुछ होता है ना, जैसे ब्लड स्टेन लग जाता है, तो उसकी भी बिल्कुल कोई टेंशन नहीं रहती है। तो कुछ भी पहनो, देख लेना सब कुछ, मैंने बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सोशल मीडिया पे फॉलो करना। मैंने जो कल शूट करा उसकी पिक्चर्स भी मैं इंस्टाग्राम पे लगाने वाली हूँ, या शायद अभी तक लग चुकी होगी, देख लेना। स्टोरीज तो मैंने लगाई थी काफ़ी सारी, कुछ पिक्चर्स लगाई थी और पोस्ट भी मैं करूँगी, तो इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो, उसका भी लिंक नीचे नीचे है, नीचे नीचे है क्या होता है। बाय।